हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को कीर्ति शिवा की चैनल पे स्वागत है। यहाँ आप देख सकती हो कितनी सुंदर लग रही है बैग। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक और नई डिजाइन की बैग बनाएंगे। ये डिजाइन की बैग बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप हैंडल भी देख सकती हो कितनी सुंदर लग रही है हैंडल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक और नई डिजाइन का बैग बनाएंगे ये दो कलर से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेयर कट कर ली फ्रेंड्स। ये स्केल से मैंने मेजरमेंट करके इसमें 7.5 पीट करके कट किया फ्रेंड्स। ऑरेंज को सभी को मैंने बराबर करके 7.5 पीट करके सभी वेयर को कट किया। तो आप भी 7.5 पीट करके कट कर लीजिएगा सभी को फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 24 वेयर कट की, सभी को 7.5 पीट करके सेम मेजरमेंट में 24 वेयर आप भी कट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिलहाल हमें वाइट की ज़रूरत नहीं है तो इसको साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी ऑरेंज है फ्रेंड्स। इसको हम ऐसे करके यहाँ से वेयर को निकाल देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वेयर ले ली जो हमने कट करके रखी थी, उसको हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। यहाँ आप देख सकती हो ऐसे करके बराबर कर लेंगे, दोनों को बराबर करके यहाँ पे ऐसे करके मेजरमेंट करके बराबर कर लेंगे। यहाँ पे बराबर हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम ये वेयर को ले लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये वेयर को लेके यहाँ पे भी हम मेजरमेंट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान से देखिए ऐसे करके यहाँ पे भी मेजरमेंट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लीजिए इतना रख के हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे करके एक्स्ट्रा इतना रख दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारी वेयर वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद इस साइड में हमारी रनिंग वेयर है फ्रेंड्स। हमेशा आपको रनिंग वेयर को इस तरफ राइट तरफ रखनी है फ्रेंड्स। और इस साइड में जो हमने अभी मेजरमेंट किया था उसको लेफ्ट साइड में मैंने रख दी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम ये वेयर को ले लेंगे फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पर बेसिक नॉट बना देंगे। यहाँ आप देख सकती हो। फिर हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे डाल के निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम बेसिक नॉट बना देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे बन गई बेसिक नॉट फ्रेंड्स। फिर आप ये दो वेयर को ऐसे करके ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स बराबर हुआ कि नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी बराबर नहीं हुई फ्रेंड्स। तो अब हम इसको ये वेयर को लेके थोड़ी सी खोल देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे बराबर कर लेंगे। फिर आप देख सकती हो बराबर हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकती हो बराबर हो गई। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से वेयर ले ली बराबर करके। यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया फ्रेंड्स। तो आप भी सभी को ऐसे बराबर करके फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद हम बनाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बेसिक नोट बनाई। अब हम यहाँ पे सीमेंट कार्ड नोट बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, हम इस ये वेयर को ऐसे करके रख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ये रनिंग वेयर को हम ऐसे करके एस टाइप बना के यहाँ पर इसके अंदर मिडिल में डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ आप देख लीजिए ऐसे करके डाल देंगे फ्रेंड्स। फिर हम ये वेयर को, इस साइड का वेयर को ले लेंगे फ्रेंड्स। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, डाल के निकाल देंगे फ्रेंड्स। फिर हम इसको नीचे लेके आएंगे फ्रेंड्स। फिर हम टाइट कर लेंगे फ्रेंड्स।
बन गई फ्रेंड्स। यहाँ पे भी सीमेंट का नोट, यहाँ पे भी आप देख लीजिए बराबर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पे भी बराबर कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ी सी खोल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे करके टाइट कर लेंगे। फिर आप ऐसे लेके फिर देख सकती हो बराबर हुआ कि नहीं। हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बराबर। फ्रेंड्स ऐसे बराबर करके बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बराबर किया था यहाँ पे भी बराबर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वेयर लंबी और छोटी ना हो फ्रेंड्स। इसलिए आप अच्छे से बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट्स में हमने बेसिक नोट बनाई थी, उसके बाद यहाँ पे सीमेंट कार्ड नोट बनाई। अब हम यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे ऐसे करके ले लेंगे। फिर हम ये वेयर को लेके फिर से यहाँ पे हम बेसिक नोट बना देंगे फ्रेंड्स। फिर बराबर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे सभी को अच्छे से बराबर करके बनानी है। फिर हम सीमेंट कार्ड नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने फिर से वेयर ले ली, उसके बाद फिर हम इसको ऐसे करके एस कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डाल देंगे। हो गई फ्रेंड्स, इसको मत लीजिएगा फ्रेंड्स, ये वेयर को ले लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर हम टाइट कर लेंगे। बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे भी। फिर हम बेसिक नोट बनाएंगे। फिर सीमेंट का नोट, एक सीमेंट का नोट, उसके बाद फिर एक बेसिक नोट करके बना के कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकती हो फ्रेंड्स ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, सामने सामने है फ्रेंड्स। उसके बाद इस साइड में भी दो दो, सामने सामने है फ्रेंड्स। ऐसे करके आप सभी को बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको ये वेयर को अच्छे से बराबर करके डाल लीजिएगा। बाकी बनाने का तरीका सेम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसे सेम बना के सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। बस आपको एक बेसिक नोट बनानी है, उसके बाद फिर एक सीमेंट कार्ड नोट, उसके बाद फिर एक बेसिक नोट, उसके बाद फिर एक सीमेंट कार्ड नोट, ऐसे करके बना के पूरी रो कंप्लीट करके कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जितना हमने वेयर कट किया सभी को डाल के आप कंप्लीट कर लीजिएगा ऐसे सेम बना के।
बन गई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने 24 वायर कट करके रखी थी, सभी को यहाँ पे डाल के ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। बनाने का तरीका सेम है फ्रेंड्स। तो आप एक बेसिक नोट, उसके बाद एक सीमेंट का नोट, उसके बाद एक बेसिक नोट, सीमेंट का नोट, बेसिक नोट, सीमेंट का नोट, ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मैं ये रो कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी बना के कंप्लीट कर लिया, यहाँ आप देख सकती हो। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब हम रनिंग वेयर को कट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे हम ऐसे करके बराबर कर लेंगे, उसके बाद कट कर देंगे इसको मेजरमेंट करके। हो गए फ्रेंड्स मैंने कट कर दी। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से मैंने रनिंग वेयर ले लिया फ्रेंड्स, फिर हम इसको मेजरमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स राइट साइड हमारी रनिंग वेयर है और लेफ्ट साइड जो हमने मेजरमेंट किया। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी बनाना स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेप। फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने बेसिक नोट डाल के यहाँ पे बनाई थी, अब हम यहाँ पे सीमेंट का नोट बनाएंगे। उसके लिए पहले आप ये वेयर को ऐसे करके फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी रनिंग वेयर है फ्रेंड्स इस साइड राइट साइड। उसके बाद फिर हम ये वेयर को लेके फिर से ऐसे कर लेंगे, यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से। फिर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। बनाने का तरीका सेम है फ्रेंड्स, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। बस पर्स में हमने यहाँ पे बेसिक नोट बनाई थी, उसके बाद फिर आपको सीमेंट कार्ड नोट बनानी है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर बेसिक नोट बनानी है। फिर यहाँ पे हम बेसिक नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे बेसिक नोट बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे आप सीमेंट का नोट से शुरू कीजिएगा, उसके बाद फिर बेसिक नोट, उसके बाद फिर सीमेंट का नोट। फिर यहाँ पे हम सीमेंट का नोट बनाएंगे फ्रेंड्स ऐसे करके। बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे हम बेसिक नोट बनाएंगे। फिर सीमेंट का नोट। बस फ्रेंड्स आपको एक सीमेंट का नोट, उसके बाद एक बेसिक नोट बना के पूरी बैग कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स ऐसे सेम एक बेसिक नोट, उसके बाद एक सीमेंट का नोट बना के
पूरी रो कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सेकेंड रो भी। फिर मैं तार डिस्टेप बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकती हो ऐसे आ जाएगी फ्रेंड्स। इसको यहाँ पे गाँध बांध के रख देंगे। ये हमारी सेंटर पॉइंट है। बाद में इस साइड में भी हाफ बना लेंगे फ्रेंड्स, इस साइड में भी हाफ बना लेंगे, हाफ हाफ करके बना के पूरी कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करके यहाँ पे भी कट कर देंगे फ्रेंड्स। हो गए फ्रेंड्स यहाँ पे दो लाइन। फिर से यहाँ पे हम रनिंग वेयर ले लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके मेजरमेंट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बस स्टार्टिंग में ध्यान देनी है फ्रेंड्स, बाकी बनाने का तरीका सेम है। एक बेसिक नोट, उसके बाद एक सीमेंट कट नोट, उसके बाद बेसिक नोट, उसके बाद सीमेंट कट नोट, ऐसे करके पूरी रो बना के कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेसिक नोट बनाई थी, उसके बाद यहाँ पे सीमेंट कट नोट, अब हम यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। बस आपको ये पार्ट्स में ध्यान देना है, उसके बाद बाकी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकती हो ऐसे आ जाएगी। फिर यहाँ पे सीमेंट कट नोट बनाएंगे। फिर से बेसिक नोट। फिर सीमेंट कट नोट ऐसे सेम बना के फ्रेंड्स कंप्लीट कर लीजिएगा ये रो भी। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको मेजरमेंट करके फिर कट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बस आपको फ्रेंड्स ये मिडिल पॉइंट से हाफ हाफ बना के कंप्लीट करनी है, इस तरफ हाफ और इस तरफ हाफ फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ वैसे ही इस साइड में भी बनानी है, सेम है बनाने का तरीका। तो आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स हाफ हाफ करके। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकती हो मैंने पूरी बेस बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने 10 रो बना के कंप्लीट किया। यहाँ आप देख सकती हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स ये हमारी सेंटर पॉइंट थी, तो हमने यहाँ पे हाफ हाफ बना ली, इस साइड में भी हाफ और इस साइड में भी, दोनों साइड में हाफ हाफ बना के पूरी कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसे पार्ट्स में बना के दिखाई थी वैसे ही दोनों साइड में मैंने बना के कंप्लीट किया। तो आप भी वैसे ही सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। फ्रेंड्स हमारी बैग की 4 कॉर्नर होती है, यहाँ आप देख सकती हो 1 2 3 4 चार कॉर्नर होती है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे ये कॉर्नर में वेयर डाल देंगे फ्रेंड्स। ऑलरेडी वेयर कट कर लिया इसको मेजरमेंट करके फ्रेंड्स, इसको बराबर करके फ्रेंड्स मैंने ऐसे करके मेजरमेंट करके उसके बाद यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा लेके कट की, क्योंकि इसको हम इसके अंदर डाल के फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कट की। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे करके। उसके बाद इसको अंदर तक डाल लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी डाल देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये सभी वेयर को मैंने ये वेयर को मेजरमेंट करके और एक्स्ट्रा लेके कट किया फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसको एक्स्ट्रा को यहाँ पे इसके अंदर डाल के हम फिनिशिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कट किया या वेयर को। तो इसे करके अंदर डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको भी अच्छे से अंदर डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स।
ऐसे सेम करके फ्रेंड्स इस साइड में भी, दोनों साइड में भी आप डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वाइट वायर ले ली, ये रनिंग वायर है फ्रेंड्स। अब हम इसको लेके यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐसे करके फोल्ड कर लिया फ्रेंड्स, इसको बाद में हम फिनिशिंग कर देंगे अंदर डाल के। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ आप देख सकती हो, यहाँ पे हम बेसिक नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। इतना रख दीजिएगा, फिर हम यहाँ पे सीमेंट का नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए बनाने का तरीका सेम है फ्रेंड्स, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे करके बन गई फ्रेंड्स, फिर बेसिक नोट। बन गई फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे सीमेंट का नोट, एक बेसिक नोट, उसके बाद फिर सीमेंट का नोट बनानी है बस। फिर यहाँ पे बेसिक नोट, फिर सीमेंट का नोट। फ्रेंड्स ऐसे सेम बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं फिर कॉर्नर में बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। कॉर्नर पे भी कोई चेंजेस नहीं है, बस हमने एक्स्ट्रा एक वेयर डाली थी, उसको मैं बना के दिखा दूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इस साइड यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लीजिएगा ऐसे सेम। यहाँ आप देख सकती हो फ्रेंड्स ऐसे आ जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं कॉर्नर में आ गई हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम कॉर्नर बनाते हैं। यहाँ पे भी हम बेसिक नोट बना लेंगे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वेयर यहाँ पे डाली थी फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारी एक्स्ट्रा वेयर है जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल के दिखाई थी फ्रेंड्स। अब हम इसको भी ऐसे करके यहाँ पे सीमेंट का नोट बना देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स, ये कॉर्नर है तो इसको हम अच्छे से मिला के बनाएंगे फ्रेंड्स। बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद फिर
यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। अब हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स इसको। बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे कॉर्नर। फिर हम यहाँ पे सीमेंट का नोट बनाएंगे। बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे भी। फिर हम बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ आप देख सकती हो फ्रेंड्स एक कॉर्नर यहाँ पे बन गई। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने शुरू की थी, उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर बना लिया फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरी कॉर्नर यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे मैं कॉर्नर में आ गई हूँ दूसरी कॉर्नर में। चलिए फ्रेंड्स अब हम ये वेयर को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सीमेंट का नोट बनाएंगे फ्रेंड्स। बन गई फ्रेंड्स। और ये वेयर फ्रेंड्स जो हमने एक्स्ट्रा डाली थी, अब हम इसको भी यहाँ पे बना देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर हम बेसिक नोट बना देंगे ये वेयर को लेके। सेम है फ्रेंड्स बनाने का तरीका, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल के बना रही हूँ एक कॉर्नर में। चार कॉर्नर में बस एक वेयर एक्स्ट्रा डाल के बना रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक नोट बन गई। अब यहाँ पे फिर हम सीमेंट का नोट बनाएंगे। यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है फ्रेंड्स। बस आपको यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद फिर हम सेम बनाएंगे यहाँ पे। हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे भी। फिर हम यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बस कॉर्नर में सिर्फ एक वेयर डाल के बना रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकती हो फ्रेंड्स ये बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स बनाते जाएगी तो।
फिर यहाँ पे कंटिन्यू फ्रेंड्स सेम बनाएंगे, पूरी रो ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। फ्रेंड्स रनिंग वेयर को कट मत कीजिएगा, अब हमें रनिंग वेयर को कट नहीं करनी फ्रेंड्स। ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर से हम ज्वाइन करेंगे कंटिन्यू, ये रनिंग वेयर से बनाएंगे नेक्स्ट रो में भी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, ये यहाँ आप देख सकती हो यहाँ पे दो कॉर्नर है, यहाँ पे भी आप ऐसे जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाई वैसे यहाँ पे भी बना लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं पूरी राउंड बना के फिर यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो उसके लिए अब हम इसको खोल देंगे फ्रेंड्स, लूज़ कर देंगे। फिर हम ये वेयर को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे फ्रेंड्स, फिर ये वेयर को इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर हम टाइट कर लेंगे फ्रेंड्स। हो गई फ्रेंड्स टाइट। फ्रेंड्स हो गई यहाँ पे ज्वाइन। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम इसको इसके अंदर डाल के फिनिशिंग कर देंगे फ्रेंड्स। पूरी फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे फिर से हम ये रनिंग वेयर को लेके यहाँ से निकाल लेंगे। हमें रनिंग वेयर को कट नहीं करनी है फ्रेंड्स। अब हम ये रनिंग वेयर को लेके पूरी बैग बना के कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बेसिक नॉट बनाएंगे फ्रेंड्स। बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक नॉट। फिर हम सेवन कट नॉट बनाएंगे। बन गई फ्रेंड्स फिर से हम बेसिक नॉट बनाएंगे फ्रेंड्स। अब पूरी बैग हमें एक बेसिक नॉट और एक सीमेंट कार्ड बना के कंप्लीट करनी है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे पूरी बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। फ्रेंड्स तो आप ऐसे करके कंटिन्यू कीजिएगा। फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे यहाँ पे मैं ज्वाइन करके दिखाई फ्रेंड्स, फिर से आपको ये इसको खोल के
रनिंग वेयर को इसके अंदर डाल के फिर से निकाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये रनिंग वेयर को यहाँ से निकाल के फिर से सेम बना लीजिएगा फ्रेंड्स। बल्कि ऐसे पूरी बना के हमें बैग कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। बाकी कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको सीमेंट काट कहाँ पे बनानी है, वेसिंग नोट कहाँ पे बनानी है, ये बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ, कॉर्नर पे भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, बस हमें ऐसे सेम बना के कंप्लीट करनी है पूरी राउंड। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स ऐसे आ जाएगी, फिर हम सेम बनाएंगे ऐसे कंटिन्यू करके पूरी बैग बना के कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ऐसे सेम बना के कंटिन्यू कीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे पार्ट्स में यहाँ पे बना के दिखा रही थी वैसे सभी को मैंने पूरी बना के इतना कंप्लीट किया फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकती हो हमारी बैग कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे बनाए वैसे सेम यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे मैं बना के फिर से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकती हो ये हमारी रनिंग वेयर है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, यहाँ से बना के पूरी यहाँ तक लेके आई हूँ फ्रेंड्स, बना के मैंने रनिंग वेयर को कट नहीं की फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो मैंने ऐसे सभी को रनिंग वेयर को लेके बनाई। तो फिर हम ये रनिंग वेयर को फिर से यहाँ से दोनों की मिडिल से निकाल के यहाँ पे भी फिर से बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें बेसिक नॉट बनानी है फर्स्ट में। फ्रेंड्स कोई चेंजेस नहीं है पार्ट्स में, जैसे मैं बना के दिखा रही थी वैसे सेम सभी को मैंने बना के यहाँ पे कंप्लीट की। एक बेसिक नोट, उसके बाद एक सीमेंट का नोट, उसके बाद एक बेसिक नोट, एक सीमेंट का नोट, एक बेसिक नोट करके पूरी बैग मैंने बना के कंप्लीट की फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बैग बहुत सुंदर है तो आप बना लीजिएगा, इजी भी है। फ्रेंड्स ये बैग बहुत इजी और सुंदर भी है तो आप बना लीजिएगा, आप जो भी कलर डाल के बना सकती हो अपने हिसाब से, तो आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स। आप चाहो तो छोटी साइज़ का भी बना सकती हो, कम वेयर डाल के माइनस करके बना लीजिएगा। उसके बाद बड़ी साइज़ का भी बनाना चाहती हो तो आप बना सकती हो। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बस आपको एक बेसिक नोट उसके बाद एक सीमेंट का नोट बना के कंप्लीट करनी है। तो आप ऐसे सभी को ऐसे सेम बना के पूरी बैग कंप्लीट करनी है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो आप ऐसे करके सभी को बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स फिर हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर वेयर को लेके ये रनिंग वेयर को लेके फिर से ऐसे सेम बनाएंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर से रनिंग वेयर को लेके फिर से सेम यही प्रोसेस बना के हमें कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स आप बना लीजिएगा, इजी है इसलिए फ्रेंड्स मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे ज़्यादा, आप बना लीजिएगा आराम से।
चलिए फ्रेंड्स, अब ऐसे सेम प्रोसेस में बना के कंप्लीट कर लीजिएगा पूरी राउंड। उसके बाद फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, लूज करके इसके अंदर डाल के फिर से आप वेयर को, रनिंग वेयर को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पर्स आपको हमेशा यहाँ पे बेसिक नोट बनानी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद उसके बाद फिर आप रनिंग वेयर को ये दोनों के मिडिल से निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर आप ये वेयर को लेके यहाँ पे बेसिक नोट बना लीजिएगा। उसके बाद फिर सीमेंट का नोट ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में भी फ्रेंड्स फिर ज्वाइन करके फिर ये दोनों के मिडिल से निकाल के फिर से आपको बेसिक नोट बना के स्टार्टिंग करना है फ्रेंड्स। बस आपको स्टार्टिंग बेसिक नोट से स्टार्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी को फर्स्ट में ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने सभी को बेसिक नोट डाल के बनाई। उसके बाद सीमेंट कार्ड, उसके बाद बेसिक, उसके बाद सीमेंट कार्ड, ऐसे करके सभी को बनाई। तो आप भी ऐसे सेम बना लीजिएगा अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करते हो तो। आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। बस आपको बेसिक नोट और सीमेंट कार्ड नोट समझ आनी चाहिए तो आप आराम से बना सकती हो कहीं से भी। तो फ्रेंड्स, आप बना लीजिएगा, मैं पूरी करके फिर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बैग बन के कॉम्प्लीट हो गई। इस साइड में मैंने पूरी फिनिशिंग करके भी कॉम्प्लीट कर लिया। अब हम दूसरी साइड में फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ी सी रखी हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फिनिशिंग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे एक दो छोड़ के उसके बाद यहाँ पे तीन में डाल के हम फिनिशिंग करेंगे। अब हम ये वेयर को ले लेंगे, उसके बाद दो छोड़ के यहाँ पे तीन में फिनिशिंग कर देंगे ऐसे डाल के। दूसरी साइड में फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी फिनिशिंग कर लिया। ऐसे करके अंदर तक डाल के फिनिशिंग कर देंगे फ्रेंड्स। सभी को दो छोड़ के तीन में डाल के फिनिशिंग करनी है फ्रेंड्स। आप देख सकती हो ऐसे आ जाएगी। फ्रेंड्स, फिर हम इसको टाइट कर लेंगे ऐसे प्रेस करके टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स, हो गई। फ्रेंड्स, ऐसे करके सभी को अंदर तक डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा। उसके बाद टाइट कर देंगे तो ऐसे आ जाएगी फिनिशिंग फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकती हो फिनिशिंग। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे सभी को सेम फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने सभी को ऐसे सेम फिनिशिंग करके कंप्लीट की। यहाँ आप देख सकती हो फ्रेंड्स, इस साइड यहाँ पे भी मैंने सेम फिनिशिंग किया। तो आप ऐसे सेम करके पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने पूरी फिनिशिंग करके वेयर को कट भी कर लिया, यहाँ आप देख सकती हो। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे पूरी फिनिशिंग करके कट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकती हो, यहाँ पर मैंने दूसरी साइड में हैंडल बना के कॉम्प्लीट कर लिया। यहाँ आप देख सकती हो हैंडल कितनी सुंदर लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी साइड में भी ये सेम हैंडल बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड में भी
ये सेम हैंडल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने हैंडल के लिए चार वेयर ले ली वाइट कलर की। ये चार वेयर को मैंने पोर पीट करके कट किया सभी को। तो फ्रेंड्स आप भी पोर पीट करके कट कर लीजिएगा चार वेयर। उसके बाद हम इसको ऐसे करके मिला लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेंगे एक दो, उसके बाद ऐसे करके हम ले जाएंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे इसके गैप में डाल देंगे ये वेयर को। बराबर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे करके डाल देंगे, फिर ये दूसरी गैप से निकाल देंगे। यहाँ पे एक दो, दो गैप के बाद यहाँ पे मैं डाल के बना रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम ये वेयर को ऐसे करके सभी को बराबर कर लेंगे यहाँ पे। हो गई बराबर फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो कलर का वेयर ले ली, वाइट और ऑरेंज। ये दो वेयर को मैंने फ्रेंड्स 9.5 पीट करके कट किया। तो आप भी ये दो वेयर को सेम मेजरमेंट में 9.5 पीट करके कट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम ये वेयर को इसके होल में डाल देंगे। उसके बाद ये वाइट को भी इस साइड में होल में डाल देंगे। दोनों को अलग अलग होल में डाल दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्स्ट्रा रख दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो मैंने इतना रख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम इसको अच्छे से ऐसे करके मिला लेंगे फ्रेंड्स। ये दो वेयर से हम बुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम इसको ऐसे करके क्रॉस करके ले लेंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद ये ऑरेंज वेयर को ऐसे करके फोल्ड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ऐसे करके ले लीजिएगा। फिर ये वाइट को भी सेम ऐसे करके इस साइड फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड। एक को राइट साइड, एक को लेफ्ट साइड। फिर हम ये दोनों वेयर को ऐसे करके ले लेंगे फ्रेंड्स। फिर सेम फ्रेंड्स यहाँ आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम ऐसे करके क्रॉस करके ले लेंगे। फिर येलो को इस साइड फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये वेयर को नीचे से ले लेंगे। फिर वाइट को भी लेफ्ट साइड फोल्ड कर लेंगे। फिर नीचे से लेके निकाल लेंगे फ्रेंड्स ऐसे करके। यहाँ आप देख सकती हो फिर सेम एक्स करके ले लेंगे। फिर फोल्ड कर देंगे। फिर वाइट को भी फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फिर हम टाइट कर लेंगे फ्रेंड्स। फिर ऐसे करके टाइट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसको बाद में हम ये वेयर को अंदर में फिनिशिंग कर देंगे। तो ये अपने आप फिनिशिंग अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए ऐसे रख देंगे। यहाँ आप देख सकती हो फ्रेंड्स। फिर सेम बनाएंगे।
फ्रेंड्स, ये ऑरेंज को हमेशा वाइट के ऊपर रख के बनाइएगा, नीचे वाइट के नीचे मत रखिएगा। यहाँ आप देख सकती हो, ऐसे करके ले लीजिएगा। ऑरेंज ऊपर है फ्रेंड्स, वाइट नीचे, आप ऐसे करके मत रखिएगा, वाइट को ऐसे ऊपर मत रखिएगा, हमेशा वाइट को ऐसे नीचे लेके रखिएगा। फिर येलो को पोल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वाइट को, फिर आप ऐसे करके टाइट कर सकती हो, अपने हिसाब से आप अच्छे से बना लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको टाइट कर देंगे, ऐसे करके। यहाँ आप देख सकती हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी हैंडल फ्रेंड्स। ये हैंडल 50-50 डिजाइन का हैंडल है, यहाँ आप देख सकती हो कितनी अच्छी लग रही है। तो आप अच्छे से ऐसे करके टाइट करके बना लीजिएगा फ्रेंड्स। आप जितने अच्छे से टाइट से बना के फिनिशिंग करेंगे उतनी ही अच्छी दिखती है, इसलिए आप फिनिशिंग अपने हिसाब से अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आराम से बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप एक दो स्टेप अच्छे से देख लेंगे तो आप आराम से बना सकती हो, बहुत ईजी है। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऐसे हो जाती है। आप इसको ऐसे खोल के बना लीजिएगा। फ्रेंड्स यह आप देख सकती हो कितनी सुंदर लग रही है हमारी हैंडल। ये हैंडल 50-50 है फ्रेंड्स, इस साइड वाइट है, उसके बाद इस साइड ऑरेंज है फ्रेंड्स। आप इस साइड भी देख सकती हो, इस साइड भी कितनी सुंदर लग रही है, और ये आगे की साइड में भी देख सकती हो कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे सेम बना के कॉम्प्लीट कर लीजिएगा, मैं पूरी कॉम्प्लीट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरी हैंडल बना के कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ये दूसरी हैंडल को मेजरमेंट करके बराबर कर ली, नीचे से काउंट करके यहाँ पे सेम मेजरमेंट में बनाएंगे फ्रेंड्स, एक दो, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड्स। और आप यहाँ भी देख लीजिए बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे भी सेम लाइन में, तो यहाँ पे भी बराबर हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल के फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ पे हम हाफ हाफ करके ये वेयर को ले लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड्स।
इसके अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स ये वेयर को इसमें डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम ये दो वेयर को भी डाल देंगे, इसको इस साइड डाल देंगे, फिर वाइट को इस साइड। हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद अच्छे से टाइट करके मिला लीजिएगा। फ्रेंड्स अब मैं ये दूसरी साइड का थोड़ी सी बना के दिखाती हूँ। अब हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने ये दो वेयर को रखी थी फ्रेंड्स। अब हम इसको फिनिशिंग करेंगे अच्छे से टाइट करके यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिनिशिंग करके दिखाती हूँ। उसके लिए आप ये वेयर को ऐसे करके ले लीजिएगा। एक दो यहाँ पे दो में डाल दी मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम ये वेयर को लेके इस होल के अंदर डाल के निकाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकती हो, यहाँ से मैंने निकाल लिया वेयर को। उसके बाद अब हम ये वेयर को फिर से ऐसे लेके यहाँ पे सेम होल में डाल के फिर से निकाल देंगे। यहाँ आप देख सकती हो इसे करके टाइट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे करके अच्छे से हो गई फ्रेंड्स। फिर हम अंदर से फिनिशिंग कर देंगे। फिर यहाँ पे डाल के फिनिशिंग कर देंगे फ्रेंड्स। इसे डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, फिर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर ये दूसरी रो में डाल के निकाल देंगे। फ्रेंड्स ऐसे करके पूरी फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अब हम इसको भी अच्छे से टाइट करके फिनिशिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे आप देख सकती हो ऐसे आ जाएगी टाइट करने के बाद। तो आप ऐसे सेम ये दूसरी साइड में भी बना लीजिएगा फ्रेंड्स। वाइट वेयर को लेके ये मिडिल से निकाल के उसके बाद ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसको लेके इस साइड में डाल के फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ पे ऐसे डाल देंगे फ्रेंड्स, फिर अच्छे से टाइट कर लेंगे। ऐसे करके और डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर ये दूसरी साइड का भी
हम टाइट करके ले लेंगे। उसके बाद इस साइड में डाल के फिनिशिंग करेंगे फ्रेंड्स। ऐसे करके निकाल देंगे फ्रेंड्स, फिर अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐसे एक्स करके लेके आप सभी को फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लीजिएगा। आप फिनिशिंग अपने हिसाब से भी कर सकती हो। ये वाइट वेयर को सीधी लेके फ्रेंड्स फिनिशिंग करके उसके बाद आप ये होल से निकाल के उसके बाद इसको हैंडल को ऐसे करके फिर हैंडल के ऊपर वाइट वेयर को डाल के सेम होल पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाई थी वैसे ही सेम यहाँ पे भी बना लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बैग बन के कम्प्लीट हो गई। आप देख सकती हो कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बैग। तो फ्रेंड्स आप भी बना लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। नीचे साइड, उसके बाद ये ऊपर साइड। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।